ये आकाशवाणी है। स्कंद गुप्त आज प्रस्तुत है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का लिखा ये ऐतिहासिक नाटक। स्कंद गुप्त गुप्त राजवंश के 8वें राजा थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान समय में बिहार की राजधानी पटना है। स्कंद गुप्त ने जितने वर्षों तक शासन किया उतने वर्षों तक युद्ध भी किया। बर्बर हूणों से भारत की रक्षा करने का श्रेय स्कंद गुप्त को जाता है। हूण मध्य एशिया में निवास करने वाले बर्बर कबीलाई लोग थे। उन्होंने हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला पार कर गांधार पर अधिकार कर लिया और फिर भारत में महान गुप्त साम्राज्य पर धावा बोला, किंतु वीर स्कंद गुप्त ने उन्हें खदेड़ दिया। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का लिखा ये ऐतिहासिक नाटक स्कंद गुप्त। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त ने इस मगध साम्राज्य की बागडोर संभाली। कुमारगुप्त की दो रानियां थीं। बड़ी रानी देवकी के पुत्र का नाम था स्कंदगुप्त और छोटी रानी अनंत देवी के पुत्र का नाम था पुरगुप्त। स्कंदगुप्त बड़ा था, वीर सैनिक था। साम्राज्य की राजधानी कुसुमपुर से दूर उज्जैनी के स्कंधावार का वो संरक्षक था। सम्राट के बाद उसी को मगध के राज सिंहासन पर बैठना था, लेकिन छोटी रानी अनंत देवी ये नहीं चाहती थी। कामुक बूढ़ा सम्राट कुमारगुप्त अपनी इसी युवा पत्नी के इशारों पर नाचता हुआ विलास के गर्त में बेसुध पड़ा था। नर्तकियों नाचती जाओ नाचती जाओ, पात्र भर भर कर मदिरा पिलाती जाओ पिलाती जाओ। ये रूप ये मदिरा ये आनंद रूप और मदिरा की मादकता ने सम्राट को बेसुध कर दिया है। बेसुध शायद का दूसरा पैर व्यतीत हो रहा है, पता नहीं अभी तक फटार क्यों नहीं आया। वो अवश्य आएगा, मेरी ही कृपा से तो उसे गुप्त साम्राज्य के सेनापति का महाबलाधिकृत का ये पद मिला है, वो कृतक नहीं हो सकता। महादेवी की जय हो। फटार आ गए तुम? महादेवी की आज्ञा। परिहास न करो मगध के महाबलाधिकृत, बड़ी रानी देवकी के रहते किस साहस से तुम मुझे महादेवी कहते हो? मेरा हृदय कह रहा है और समय आने पर साम्राज्य की जनता कहेगी, प्रजा कहेगी। मुझे विश्वास नहीं होता। स्कंद गुप्त राजधानी से दूर तो है, परंतु यहाँ उसकी माँ देवकी का प्रभाव जिस उग्रता से बढ़ रहा है उसे देखकर मुझे पुरगुप्त के जीवन की शंका हो रही है। मैं सब समझ रहा हूं देवी, मैं कृतघ्न नहीं हूं, आप निश्चिंत रहें।
तो सुनो भटार। आज्ञा। क्रांति समीप है। क्रांति? क्रांति के सहसा इतना समीप उपस्थित होने के मुझे तो कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। प्रपंच बुद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई। प्रपंच बुद्धि कौन? स्मरण है भाद्र की अमावस्या। कौन? प्रणाम भिक्षु शिरोमणि, भाद्र की अमावस्या को मैं कैसे भुला सकती हूँ? ठीक, ये कौन? ओ, नया महाबलाधिकृत भटार। तुम लोग सद्धर्म के अभिशाप की लीला देखोगे। है आंखों में इतना बल? क्यों, समझ लिया था कि इन मुंडित मस्तक जीर्ण कलेवर भिक्षु कंकालों में क्या धरा है? देखो, शवचिता में नृत्य करती हुई तारा का तंडव नृत्य, शून्य सर्वनाश कारिणी प्रकृति की मुंड मालाओं की कंदुक्रीड़ा। अश्वमेध हो चुके उनके फलस्वरूप महानर मेध का संहार भी देखो। भटार्क, है तुझ में इतना साहस? अच्छा, अनंत देव अमावस्या के पहले पहर में जब नील गगन से भयानक और उज्जवल उल्कापात होगा, महाशून्य की ओर देखना, जाता हूं सावधान। देव, देव, ये भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति था? ओह, ओह, मेरा तो सिर घूम रहा है। यही तो भिक्षु प्रपंच बुद्धि है। इधर जब कुसुमपुर में अनंत देवी अपने पुत्र पुरगुप्त के नाम पर राज सिंहासन को हथियाने के लिए षड्यंत्र रच रही थी, तो उधर उज्जैनी के सैनिक शिविर में स्कंदगुप्त निर्लिप्त भाव से मगध साम्राज्य की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील था। मगध का वृद्ध महानायक पर्णदत्त और उसका वीर पुत्र चक्रपालित उसके सहायक भी थे और शुभचिंतक भी। युवराज की जय। क्या समाचार है? नासी सेना के नायक ने सहायता मांगी है, दशपुर से भी दूत आया है। अच्छा, जाओ उसे भेज दो। जो आज्ञा। देखा युवराज, मैंने कहता था। युवराज स्कंदगुप्त की जय। दूत, मालवपति बंधु वर्मा सकुशल है ना? युवराज, विपत्ति के बादल घिर रहे हैं। क्या? शक राष्ट्र मंडल चंचल हो रहा है। ओ। नवागत मलेच्छ वाहिनी से सौराष्ट्र भी पराक्रांत हो चुका है। इसी कारण हमारा पश्चिमी मालव भी अब सुरक्षित नहीं रहा। मालव की रक्षा के लिए महाराज बंधु वर्मा ने सहायता मांगी। सहायता? हाँ, पिछले मालव और शक युद्ध में जो संधि गुप्त साम्राज्य और मालव राष्ट्र में हुई थी, उसके अनुसार मालव की रक्षा गुप्त सेना का कर्तव्य है। स्कंदगुप्त के जीते जी मालव का कुछ न बिगड़ सकेगा। धन्य युवराज, आर्य साम्राज्य के भावी शासक के उपयुक्त ही है ये बात। प्रणाम देव। युवराज, आपके इस निश्चय से ये वृद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ। गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। आप मालव की रक्षा को जाइए, मैं पुष्यमित्रों की गति रोकता हूं। लेकिन हमें अपनी राजधानी कुसुमपुर की गतिविधि पर भी दृष्टि रखनी होगी। कुसुमपुर की अभिशाप रात्रि, आज ये भाद्र की अमावस्या। अमावस्या? आज ये भाद्र की अमावस्या। कुसुमपुर की अभिशाप, आज ये भाद्र की अमावस्या। अरे, इतनी रात गई, रात का साथ गई, द्वार क्यों खुला? अरे, राजकुमार पुरगुप्त महाबलाधिकृत भटार के साथ आ रहे हैं। नायक शरवनक। जय हो कुमार की, क्या आज्ञा है? नायक, जाओ तुम महादेवी के द्वार पर,
जैसा महाबलाधिकृत ने कहा है वैसा करना। जो आज्ञा। भटार्क, दूसरा नायक सैनिकों सहित आ गया। ये हाँ। तो इसे सब समझा दो। देखो नायक जी, कोई भी पूछे तो ये मत कहना कि सम्राट की मृत्यु हो गई है। जो आज्ञा। हाँ, बढ़ी हुई अस्वस्थता का समाचार बतलाना जी। और सावधान, कोई भी, चाहे वो महामंत्री पृथ्वी सेन ही क्यों ना हो जी, अंतःपुर के भीतर ना आने पानी। जो आज्ञा। तुम यही कहना कि सम्राट अत्यंत विकल हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते। समझा। जी हाँ। तो आओ भटार्क, भीतर चले। चल। सैनिक भाइयों, आज अवस्था बड़ी विकट है, सावधान है। ये क्या, महामंत्री पृथ्वी सेन, महादंड नायक और महाप्रतिहार तीनों इधर ही चले आ रहे हैं। नायक, द्वार खोलो, हम लोग सम्राट का दर्शन करेंगे। प्रभु, किसी को भीतर जाने की आज्ञा नहीं। आज्ञा नहीं, किसकी आज्ञा नहीं? मगध राज्य के महाप्रतिहार से ऐसी बात। अबोध नायक, तू जानता नहीं, सम्राट कुमारगुप्त के अंतपुर पर स्वयं सम्राट का भी उतना अधिकार नहीं जितना मेरा महाप्रतिहार का है। शीघ्र द्वार खोल। दंड दीजिए प्रभु, परंतु द्वार नहीं खुल सकेगा। तू क्या कह रहा है? जैसी भीतर से आज्ञा मिली है। दंड नायक, अवश्य ही कोई दुराभिसन दिए। महामंत्री, क्या अंतपुर पर भी सैनिक नियंत्रण है? इसका परिणाम भयानक है। अंतिम शैया पर लेटे हुए सम्राट की आत्मा को कष्ट पहुंचाना होगा। है? ये क्रंदन कैसा? लगता है सब सही हो गया, हम अवश्य भीतर जाएंगे। नायक, इससे पहले कि मेरी तलवार उठे, तुम रास्ते से हट जाओ। तलवार मेरे पास भी है। जो आ गया। भटार, ये सब क्या है? कुमार, आप ही बताइए। परम भट्टारक, राजा धीराज, सम्राट पुरगुप्त की जय हो। कुमार, पुरगुप्त सम्राट। माननीय महामंत्री, महादंड नायक और महाप्रतिहार, गुप्त साम्राज्य के नियमानुसार शस्त्र अर्पण करके नए सम्राट का अभिवादन कीजिए। क्या? क्या तो क्या सम्राट कुमार गुप्त महेंद्रादित्य अब संसार में नहीं है? नहीं, परंतु उनके उत्तराधिकारी तो हैं, युवराज स्कंद गुप्त। चुप रहो महामंत्री, तुम लोगों को बैठकर व्यवस्था नहीं देनी होगी। उत्तराधिकार का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट कर गए हैं। प्रमाण? क्या तुम्हें प्रमाण देना होगा? अवश्य। महाबलाधिकृत, इन तीनों विद्रोहियों को बंदी करो। सम्राट की जैसी आज्ञा। ठहरो भटार्क, तुम लोगों की विजय हुई, परंतु मैं एक बात। आधी बात भी नहीं, बंदी करो। कुमार, तुम्हारे दुर्बल और अत्याचारी हाथों में गुप्त साम्राज्य का राजदंड टिकेगा नहीं। संभवतः तुम साम्राज्य पर विपत्ति का आह्वान करोगे, इसलिए। महाबलाधिकृत, क्यों विलंब करते, बंदी करो इन्हें। आप लोग शस्त्र रखकर आज्ञा मानिए। आतताई, ये स्वर्गीय आर्य चंद्रगुप्त का दिया हुआ खड़ग तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता। उठा अपना शस्त्र, अपनी रक्षा कर। महापिता, ये क्या करते हो? ये अंतर विद्रोह का समय नहीं, पश्चिम और उत्तर से काली घटाएं उमड़ रही हैं। ये समय बलनाश करने का नहीं है। आओ, हम तीनों गुप्त साम्राज्य के विधान के अनुसार चरम प्रतिकार करें, अपने हाथों अपनी अपनी बलि देकर। आर्य साम्राज्य की जय हो। हाँ, हम भी अब जीवित रहकर ये अन्याय नहीं देख सकते। आर्य साम्राज्य की जय। आर्य साम्राज्य की जय। ओह, तीनों ने आत्महत्या कर ली। पाखंडी स्वयं विदा हो गए। अच्छा ही हुआ। हाँ, अच्छा ही हुआ। कौन? महादेवी। हाँ। आप? भटार्क, अब मैं ही महादेवी हूँ, सम्राट पुरगुप्त की माता महादेवी, स्कंद गुप्त की माँ देवकी नहीं। जाओ, देवकी को बंदी गृह में पहुंचाओ। जो आ गया।
स्कंद गुप्त उज्जैनी में ही है या? समाचार मिला है कि वो शक हूणों के सम्मिलित आक्रमण से मालव के दुर्ग की रक्षा करने गया है। बरबस शकोहुणों की सम्मिलित सेना ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया है। भैया की मुट्ठी भर सेना कब तक उसका प्रतिरोध करेगी? युवराज स्कंद को वचन देकर भी सहायता को नहीं पहुंचे तो फिर क्या होगा? राजकुमारी देवसेना, युवराज सहायता के लिए आ रहे हैं, इसी से आश्वस्त होकर मैं अपना सारा धन कोश लेकर दुर्ग में चली आई थी। सखी विजया, क्षत्रियों के दुर्ग में आकर भी तुम श्रेष्ठी कन्या ही रही। तुम्हें अपने धन की रक्षा का ध्यान है, देश के मान, स्त्रियों की प्रतिष्ठा, बच्चों की रक्षा की चिंता नहीं। राजकुमारी, मैं मालवपति बंधु वर्मा की क्षत्राणी बहन कैसे बन सकती हूँ? नगर सेठ की कन्या हो तो। देवसेना। भैया क्या बात है, बड़े घबराए हुए हो? अभी तक युवराज स्कंदगुप्त नहीं पहुंचे। संभवतः शक और हूणों की सम्मिलित सेना से आज मैं अकेला दुर्ग की रक्षा न कर सकूंगा। गिरी संकट में मैंने शत्रुओं का मार्ग रोका था, परंतु दूसरी शत्रु सेना गुप्त मार्ग से आ गई है। दुर्ग का द्वार टूट गया, मैं देखता हूँ यदि भी कुछ हो सके। दुर्ग का द्वार टूट गया? राजकुमारी, अपनी भाभी को बुलाओ, किसी सुरक्षित स्थान में निकल चले जहाँ अपनी विजया रक्षा करने वाली ये कृपाण तो अपने पास है। डर कैसा, लो एक कृपाण तुम भी ले लो। नहीं नहीं, इसे मैं लेकर क्या करूंगी, ऐसी भयानक वस्तु। भयानक नहीं, सुंदर। इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रत लेने के योग्य नहीं? तुम बड़ी निर्दय हो। लगता है भीतर का द्वार भी टूट गया। राजकुमारी, शत्रु सेना इधर ही आ रही है, आओ कहीं भाग चले। भागने से कुछ नहीं होगा, जाओ एक और छिप कर खड़ी हो जाओ। किधर जाओ? भागने का प्रयत्न न करना। कैसी सुंदरिया मिली है। दोस्त, इन स्त्रियों को हाथ लगाया तो हाथ ही काट दूंगा। हार कर भी इतना साहस। भैया घायल हो गए, लेकिन आतत आई, इस क्षत्रानी के हाथ में भी कृपाण है। ठहरो देवी। युवराज, स्कंदगुप्त के जीवित रहते स्त्रियों को शस्त्र नहीं उठाना पड़ेगा। युवराज आप आ गए, लेकिन अब तो बंधु अभी कुछ नहीं बिगड़ा। शत्रु सेना परास्त हो चुकी है, दुर्ग मुक्त हो गया है। पुष्यमित्रों को परास्त करके आर्य पर्णदत्त और चक्रपालित भी पहुंच रहे हैं। सैनिकों, बना लो बंदी इस बर्बर हूण को। बलिहारी युवराज, आह कैसी भयानक और सुंदर मूर्ति है, आर्य साम्राज्य का भावी सम्राट। ये कौन? युवराज, ये है मालव की श्रेष्ठ कन्या विजया। और ये है देवसेना, मेरी बहन। राजकुमारी। क्यों, क्या बात है विजया? सुना है कि सम्राट कुमार गुप्त का निधन हो गया है और स्कंद गुप्त का छोटा भाई पुरगुप्त मगध की राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बना है। फिर क्या हुआ? हमारे मालव के तो स्कंद गुप्त ही त्राता है, जीवन दाता है। यदि वे आकर हमारी सहायता न करते तो। अरे लो, वे युवराज चक्रपालित के साथ बातें करते हुए इधर ही आ रहे हैं। युवराज कुछ उदासीन से जान पड़ते हैं, हम यहाँ से हट जाए। युवराज, आप सोचिए राज सिंहासन कब तक छूना रहेगा? नहीं चक्र, अश्वमेध पराक्रम स्वर्गीय सम्राट कुमार गुप्त का आसन मेरे योग्य नहीं है। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। पुरगुप्त को रहने दो, मेरा अकेला जीवन है, मुझे। यह नहीं होगा। यदि राज्य शक्ति के केंद्र में ही अन्याय होगा तब तो समग्र राष्ट्र अन्यायों का क्रीड़ा स्थल हो जाएगा।
आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित करना ही पड़ेगा। हैं? ये चर इधर क्यों चला आ रहा है? युवराज की जय हो। क्या समाचार है युवराज? युवराज भयानक समाचार है युवराज, कान में सुनिए। ये अनर्थ, फिर तो मुझे अभी प्रस्थान करना होगा। देवकी? कौन? अनंत देवी? और तुम्हारे साथ ये मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? हाँ। शर्मनाक, आगे बढ़ो। मैं मौत से नहीं डरती। आ, रक्त के प्यासे कुत्ते आ और अपना काम कर। क्यों देवकी, तुम्हारी राज सिंहासन लेने की स्पर्धा क्या हुई? परमात्मा की कृपा है कि मैं स्वामी के रक्त से कलुषित सिंहासन पर न बैठ सकी। भगवान का स्मरण कर लो। मेरे अंतर की करुण कामना एक थी कि अपने स्कंदगुप्त को देख लूं, परंतु तुम लोगों से, हत्यारों से मैं उसके लिए भी प्रार्थना नहीं करूंगी। प्रार्थना उसी विश्वंभर के श्री चरणों में है जो अपनी अनंत दया का कवच पहनाकर मेरे स्कंद को सदैव सुरक्षित रखे। शर्वनाथ, विलंब क्यों कर रहा है? उठा खड़गर। अच्छा तो ठहर जानी। मेरा स्कंद आ गया, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। माँ, पहले मैं इस नीच शर्वनाग और भटार को ठिकाने लगाता हूँ। राजकुमार, राजकुमार, वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए। राजकुमार, तू वीर इस अर्धरात्रि में निस्सहाय अबला महादेवी की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाले चोर, तुझे भी वीरता का अभिमान है तो आ, तुझे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूं। ले, बचा अपने को। ये भटार्क तो गिरा। अब तुम कहो, मेरी सौतेली माँ अनंत देवी, क्या तुम्हें भी स्कंद मुझे क्षमा कर दो। कुछ भी हो, हूं तो मैं तुम्हारे स्वर्गीय पिता की पत्नी। जाओ, चली जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। देखो अनंत देवी, यहाँ कुसुमपुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। मगध का ये सिंहासन पुरगुप्त ही संभाले, मुझे नहीं चाहिए ये सब। परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। और सैनिकों, इस शर्वनाग को बंदी बनाकर उज्जैनी ले जाया जाए। और माँ, तुम भी उज्जैनी चलो। मैं सौराष्ट्र में शकों का उन्मूलन करके शीघ्र ही उज्जैनी पहुंचूंगा। मालवपति बंधु वर्मा को मैंने वचन दिया है। चक्र, मेरे इस मालव राज्य को स्कंदगुप्त ने बचाया था। यह राज्य अब न्याय से उन्हीं का है और उन्हीं को मैं सौंप रहा हूं। आर्य बंधु वर्मा, तुम्हारा ये निश्चय अटल है? देखते नहीं, आर्यवर्त पर विपत्ति के प्रलय में एक माला गिर रही है। हूणों के विकट तांडव से पवित्र भूमि पादाक्रांत है। सीमा की बर्बर जातियों की राक्षसी वृत्ति का प्रचंड पाखंड फैला है। आर्य साम्राज्य के अंतर्विरोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भलीभांति जान गए हैं। शीघ्र ही देशव्यापी युद्ध की संभावना है। इसलिए यह आवश्यक है कि साम्राज्य की सुव्यवस्था के लिए, आर्य राष्ट्र के तांग के लिए, युवराज स्कंदगुप्त हमारी इस उज्जैनी में रहें। इसी में सबका कल्याण है। आर्यवर्त का जीवन केवल स्कंदगुप्त के कल्याण से है और उज्जैनी में साम्राज्य अभिषेक का अनुष्ठान होगा। सम्राट होंगे स्कंदगुप्त और बंधु वर्मा उस साम्राज्य का एक साधारण सैनिक। तुम धन्य हो बंधु वर्मा, तुमने क्षत्रिय का सिर ऊंचा किया। देश के लिए तुम्हारा ये आत्मत्याग। भैया, अभी समाचार मिला है कि युवराज सौराष्ट्र के शकों को निर्मूल करके मालव पहुंच रहे हैं। तो आओ बहन, हम उनके राज्याभिषेक की तैयारी करें। Thank you.
आनंद महोत्सव में मुझे इस श्रेष्ठी कन्या विजया को कौन पूछता है? मैं मालव में अब किस काम की हूँ? और जिस उज्जैनी में गौरव तथा मान तो है देवसेना का, जिसके भाई ने अपना मालव राज्य अर्पित करके स्कंदगुप्त को अपना बना लिया है। स्कंदगुप्त अब देवसेना का है, मेरा नहीं। मेरा कौन? कौन? मगध साम्राज्य का महाबलाधिकृत वीर पटार्क, हाँ वो आजकल उज्जैनी में गुप्त रूप से आकर स्कंदगुप्त के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। वो परमवीर है, साहसी है। विजया उसी की है, विजया उसी की है। ये क्या, स्कंदगुप्त के सैनिक फटार को बंदी बनाकर ले जा रहे हैं? सैनिकों, मैं भी अपराधिनी हूँ, इनके साथ मुझे भी बंदी करो, इनके साथ मुझे भी न्यायाधिकरण में ले चलो। देवी, आओ माँ, तुम भी राज सिंहासन पर मेरे साथ बैठो। वैसे तुम्हारा ये पुत्र विपत्तियों से घिरे आर्यावर्त का मात्रिक सैनिक है, सम्राट नहीं, आर्य जाति का सच्चा रत्न है मालवेश पंथ वर्मा, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है। राजकुमारी देवसेना, चमर छोड़कर तुम भी आसन ग्रहण करो। बंदियों को ले आओ। है? इन बंदियों में शर्वनाग और भटार्क के साथ विजया भी? ओ श्रेष्ठी कन्या विजया बंदिनी के रूप में। शर्वनाग, तुम क्या चाहते हो? सम्राट, मेरे वध की आज्ञा दीजिए। मेरे जैसे नीच के लिए और कोई दंड नहीं। नहीं, मैं तुम्हें इससे भी कठोर दंड दूंगा, जो बद से भी उग्र होगा। वही हो सम्राट, वही हो। जितनी भी यंत्रणा से ये पापी प्राण निकाला जाए उतना ही उत्तम होगा। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ। सम्राट! हाँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुम्हारे अपराध ही तुम्हारे मर्मस्थल पर सैकड़ों बिच्छुओं की चोट करेंगे। आजीवन तुम उसी यंत्रणा को भोगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी साध्वी रामा को मैं अपनी आज्ञा से पिथवा नहीं बना। दुहाई सम्राट की दुहाई, मुझे वध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा। स्कंदगुप्त। अभी आप प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद के लिखे इस ऐतिहासिक नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे चिरंजीत। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी।